से जा रहा है शास्त्र मंदिर पार, और ये तुम्हारा बेटा सेनापति शंभु सिंह अभी मौजूद है, और हम तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी सेवा जरूर करूंगा। और राजू जाओ, माँ से आशीर्वाद लो और खुशी खुशी तुम हमारे साथ चल। और मैं चल रहा हूं और माँ से आशीर्वाद लेकर आओ और मैं राज दरबार में तुमसे मिलूंगा। ठीक है, बोली माँ। माँ, आज मैं राज दरबार जा रहा हूं बाप, जैसा तुमने कहा है उस तरह जाकर के ये प्रश्न मैं महाराज के सामने पेश करूंगा। हाँ बेटे, और अगर तेरा आशीर्वाद रहा, अगर तेरा आशीर्वाद मेरे सर पे सलामत रहा माँ, तो मैं समंदर जाति की तस्वीर लाकर के महाराज के सामने जरूर पेश करूंगा। बेटा, सबसे पहले जो कुछ भी महाराज कहें वो बात आकर तू अपनी माँ से बताएगा। माँ मैं चल रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। इस जंग मैदान में तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा विजय के झंडे ले रहा है। बेटा, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी, जैसा कुछ भी कहे महाराज तो बात आकर मुझे बताना। और तू कितनी अच्छी गे, तू कितनी भोली गे, के प्यारी प्यारी है। गुरु प्रसाद ग्राम कुम्हारन का प्रौढ़ निवासी है। भाई चाहर की तरफ से घर मालिक साहब का 21 रुपए का व्यवहार। अम्मी चलो, मेरा बेटा राज दरबार गया है और मैं अपने बेटे को लौटने का इंतजार करूंगी। हेलो, हाँ हमारे घर मालिक साहब, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है तो तत्काल हमारे हले, 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 हाँ घर मालिक साहब, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है तो तत्काल हमारे रंगमंच के पीछे आ जाए, क्योंकि हमारे कंपनी मालिक आपका बेखबरी से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। बेचारा राजू फंस गया यार। हाँ यार भैया, चलो कोई बात नहीं है, उसके नसीब में होगा तो सात समंदर पार हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं है। चलिए चलते चलते कहना है मास्टर, कहना क्या है? अरे कहावा के गेहुआ रे चमके, अरे कहावा के धान कहावा की टीपुली, अरे कहावा की टीपुली लीला रवा पे मारला, कहावा के
मिली बोरा पोरावाल लीला बाजे मारला कहना क्या चाहते हैं सम्राट। जो आदेश तुम लोगों को दिया गया है दरबारियों को, हेलो क्या हुआ आगे? हो गया, आप तस्वीर रखते सम्राट। जो आपने सर्त का बीड़ा रखवाया था सम्राट, उस बीड़े को एक नौजवान ने खाया है, और अगर इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए। जब उसने बीड़ा उठाया उसे बुलाने की क्या जरूरत है? अरे वो साल समंदर पार जाए और समंदर जादी की तस्वीर लेके आए, बीड़ा उठाया है उसे बुलाने की क्या जरूरत है? शायद अगर कुछ बात सम्राट से करना चाहता हो तो। सम्राट से क्या बात करना चाहता है? उसे मालूम नहीं था कि यह सर्त का बीड़ा है, मैंने चारों तरफ भिड़ोया पिटवा दिया है। मंत्री ज्यादा चिल्लाओ नहीं, अभी उसको आने दीजिए। काश अगर हो सकता है कि वो सम्राट से कोई बात करना चाहता हो तो उसे इजाजत दिया जाए। सम्राट तकरार की कोई बात नहीं है। अगर उस नौजवान ने बीड़ा खाया है, बीड़े को उठाया है, तो उस जवान में कुछ तो दम होगी। अगर कोई ऐसा जरूरत है तो आने दो राज दरबार में, उसकी सारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। महाराज को राजी प्रणाम। ये हुजूर महाराज, मैं आप ही की रियासत का रहने वाला हूं और एक गरीब खानदान का इंसान हूं। मैं गरीब खानदान का बेटा हूं, मेरा नाम राजू है। राजू, मेरी मां के सिवा संसार में कोई नहीं। नौजवान, कहिए हुजूर, बताओ किस हबीस में तुमने राज दरबार में सर्त का बीड़ा उठाया है? महाराज मुझे कुछ मालूम नहीं था। काश अगर मुझे मालूम होता कि सर्त का बीड़ा है तो इस बीड़े को मैं कभी नहीं। राजू, वो पान का बीड़ा खाने वाला नहीं है जो लोग खा करके थोक देते हैं, वो सर्त का बीड़ा है। उस बीड़े में मौत और जिंदगी है। नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं अपने मुखारबिंद से? जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। वो सर्त का बीड़ा है, जो नौजवान उस बीड़े को खाया है वो साल समंदर जाकर समंदर जादी की तस्वीर लाएगा। और हमारी शर्त है, मैंने ढिंढोरा पिटवाया है कि अपनी राजकुमारी चंचला की शादी और ये तख्त और ताज और राज का मालिक उसे बनाऊंगा। महाराज, काश अगर मैंने बीड़े को खा ही लिया है तब तो मुझे सात समंदर पार जाना ही होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और महा राज बिनती ये को Ah!
सफर के वास्ते और थोड़ा सा धन चाहिए और मुझे कुछ इसके सिवा और नहीं ये चाहिए और तभी होगी मेरी सफर की। महाराज मैं जाने के लिए तैयार हूं, मुझे आपके दरबार से कोई सवारी का साधन चाहिए और आपके शाही पोशाक चाहिए और सफर के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए। महाराज राजू तो मुझे सारी मंजूर सर दे पोशाक चाहते हो। हाँ महाराज। और सवारी के लिए साधन चाहते हो। क्यों नहीं महाराज। तो सेनापति और मंत्री जाओ शाही घोड़े को तैयार करो और हमारी शमशीर और शाही पोशाक दो। और राजू इसके अलावा और कुछ चाहिए? नहीं महाराज। क्या चाहिए? मुझे आपके दरबार से सिर्फ शाही पोशाक चाहिए और सवारी के लिए कोई साधन चाहिए और सफर के वास्ते कुछ पैसा चाहिए और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात मुझे याद आ रही है, अगर तू सात समंदर पार जाएगा सारी पोशाक शाही तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन बात ये बता तेरी वो विधवा माँ क्या खाएगी, तो उसके खाने के लिए व्यवस्था कर दे महाराज। महाराज आप राया के मालिक हैं, राया की देखभाल करना आपका परम कर्तव्य है। अब तो आज अपनी मां को, उस बूढ़ी मां को आपके चरणों के सामने पेश करके आपके हवाले करके जा रहा हूं। आज मेरी मां की जिंदगी और मौत, मेरी मां की जिंदगी और मौत सिर्फ आपके हवाले। काश हाँ अगर ये बात है तो यानी कुछ साधन के लिए। हाँ शरपत जी। और शाही पोशाक। हाँ हाँ। और कुछ धन चाहिए बस। सम्राट अगर इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना मैं ये चाहता हूँ सम्राट, काश अगर ये खर्च के लिए जा रहा है तो इसके खर्च के लिए और खर्च के अलावा इसकी बूढ़ी मां के परवरिश के लिए कुछ धन की जरूरत है सम्राट। तो मेरा कहने का मतलब ठीक है, धन की जरूरत है तो हम 50,000 इन्हें दे रहे हैं और 50,000 इनकी मां के लिए। सम्राट अगर धन की जरूरत इतनी हुई तो 50,000 रुपए में यहां से सात समंदर पार ये राजू नहीं जा सकता है सम्राट। अगर इजाजत हो तो इसके लिए 1,00,000 रुपए खर्च के लिए दिया जाए और 1,00,000 रुपए इसकी बूढ़ी मां के परवरिश के लिए। सेनापति अगर 1,00,000 रुपए राजू के पास रहेगा उसकी जान भी जा सकती है रास्ते में, इसकी मां के लगे अगर 1,00,000 रहेगा तो उस बूढ़ी मां की भी जान जा सकती है। 50,000 बहुत है महाराज। महामंत्री आवाज बंद रखो, रुपए मैं दे रहा हूं तुम्हें क्या क्यों तकलीफ होती है? 1,00,000 नहीं, हम राजू और राजू की मां के लिए 2,00,000 रुपए दे रहे हैं। राजू और तुम्हारी ख्वाहिश को साथ की है तो सम्राट।